अच्छा जानलेवा तो नहीं होता लेकिन ममूल की सरगर्मियों को बेहद मुतासर करता है। अब माहरीन ने इसका अनोखा हाल दरियाफ्त किया है। बरतानी माहरीन ने ममूली सी सर्जरी से सरदर्द से निजात दिलाने की अनोखी कोशिश कर रहे हैं जिसकी बदौलत दुनिया भर में सरदर्द में मुब्तला मरीज इस आर्ज से निजात हासिल कर सकेंगे। बरतानिया के गाय एंड सेंट थॉमस अस्पताल में होने वाली इस मुनफरिद ऑपरेशन में डॉक्टर के मरीज की सर की खोपड़ी के एक मामूली हिस्से को रिमूव करके दिमाग में टेलीफोन से बंधा एक पेच लगा रहे हैं। ये टेलीफोन पेच जिस्म के मरकजी असाब से दिमाग को भेजे जाने वाले दर्द के सिग्नल्स को रोक कर मरीज को सरदर्द का एहसास नहीं होने देता। गाय एंड सेंट थॉमस अस्पताल के डॉक्टर ने इस ऑपरेशन का तरीका कार वाजे करते हुए कहा है कि सर्जन ने कान के एक पीछे साल के एक छोटे से टुकड़े को एहतियात से ट्राइंगल हिसाब से अलहदा किया है। दूसरे मरहले में टेलीफोन से बने एक छोटे पैड को साफ और आर्टरी को एक दूसरे से अलहदा रखने के लिए इनके दरमियान रखा है। ये पैड मरकजी साहब की जानब से दिमाग को भेजे गए दर्द के सिग्नल्स की राह में हाइल हुआ जिससे मरीज को दर्द का एहसास नहीं हो सका। मस्नूई केमिकल से बने टेलीफोन का सर्जिकल प्लांट में इस्तेमाल आम बात है क्योंकि ये केमिकल इंसानी जिस्म में किसी किस्म का रिएक्शन नहीं करता जो पेचीदगी का सबब बने। डॉक्टर लैम्ब्रो का कहना तो है कि हमारे अस्पताल में अब तक 50 मरीजों में ये सर्जरी की जा चुकी है और इसके नतीजे बहुत हौसला अफजा है जबकि 70% से ज्यादा मरीजों में सरदर्द मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। नाज़रीन आपका इस बारे में क्या राय है अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।